आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, हमें बताना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस जो होता है ये फोटोसिंथेसिस से इन्वॉल्व प्रोसेस है, ओके। और फोटोसिंथेसिस के किस रिएक्शन से इन्वॉल्व है ये प्रोसेस, तो ये इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से इन्वॉल्व प्रोसेस, ओके। अब यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली हम प्रोड्यूस क्या कराते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ओके। एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज एटीपी और एनएडीपीएच। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारी प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये टाइप होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का, ओके। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का ये क्या है, एक टाइप। हम जानते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होने वाला प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में सिंथेसिस होता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, दैट इज एटीपी का। इस वजह से इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो प्रोसेस ये दो तरीके की होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमें बताना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के बारे में। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है इसमें फोटोसिस्टम वन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड ऑल्सो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है फोटोसिस्टम टू की भी, ओके। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है इसमें जो एक्टिव रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680, ओके। ये एक्टिव रिएक्शन सेंटर है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करते हैं ये नॉन साइक्लिक मैनर में करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर मैनर में करते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म होता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, वो एटीपी भी फॉर्म होता है यहाँ पे, एंड ऑल्सो यहाँ पर फॉर्म होता है एनएडीपीएच, ओके। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ओके। फोटोलिसिस होता है किसका, वाटर का, यानी H2O का। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है ये क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का। यहाँ अगर हम अपने डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले लाइट आया कहाँ पे, क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, यहाँ से फॉर्म हुआ ADP जो कि ऐड हुआ PI से, बन गया हमारा ATP। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये जो H2O होती है इसकी फोटोलिसिस होती है, और फोटोलिसिस के दौरान यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और ऑल्सो यहाँ पर NAD+ से फॉर्म होता है NADPH, यानी दोनों फोटोसिस्टम वन एंड टू यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट है ये ट्रैवल करते हैं लीनियर पैटर्न पे, तो ये हमारा हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।